नमस्कार, आप लोग को फन एग्जाम में स्वागत है। भाई यहाँ पर देखेंगे 19 जनवरी के सेकंड सेप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो फटाफट जुड़ जाइए और देखेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आए हुए थे सेकंड सेप्ट में सभी को। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन आपका था भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आप देख सकते हो भाई किसने किया था, जेम्स चैंडविक के द्वारा किया गया था 1932 में, इनके द्वारा किया गया था। आपसे अगर इलेक्ट्रॉन की पूछे, इलेक्ट्रॉन की भाई पहले पूछ चुका है, ठीक है, जे थॉमसन आपसे पूछ चुका है। अब भाई प्रोटॉन की खोज बचा है, ठीक है, जिसका जो है आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल जाता है भाई, जैसे कि आपका ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। आपका यहाँ पे सबसे पहले इसकी खोज जो है गोल्ड स्मिथ के द्वारा की गई थी, ठीक है, गोल्ड स्मिथ के द्वारा की गई। और यहाँ पे इनका जो नाम है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा जो बमबारी कराई गई थी रदरफोर्ड ने करवाया था। तो आपका प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड ही माना जाता है मैक्सिमम टाइम, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और न्यूट्रॉन के यहाँ पे जेम्स चैंडविक है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, असम है। तो भाई मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैं सभी की वीडियो बना के आपको अपलोड किया है, तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आइकन बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आइडियो फाइल को किन दूसरे नामों से जाना जाता है, तो भाई किस MP3 MP4 इस प्रकार से वहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल गए। चट्टानों में पड़ी दरार को किससे मापते भाई, अल्ट्रासाउंड के द्वारा उनको मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, तो भाई किसे दिया गया, नंद किशोर आचार्य को यहाँ पे साहित्य पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शॉर्टकट जो की होती है उसका इस्तेमाल कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो किसका किया भाई, कंट्रोल सी का उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बुझा हुआ चूना, या तो हम जल को उबाल देंगे भाई उसकी अस्थायी कठोरता जो है दूर हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी यहाँ पे अस्थायी कठोरता जो दूर करने के लिए उसको या तो हम उबाल देंगे या तो बुझा हुआ चूना उसमें डाल देंगे। संविधान के भाग 3 में निम्न में क्या शामिल है, मौलिक अधिकार। मैंने सुबह में ही जब फर्स्ट का आपको करा रहा था तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि भाई आपको भाग जो है उनको याद रखेगा, और देखिए यहाँ पर भाग आपसे पूछ ही लिया, उसने आपसे पूछ रखा था कि भाई उच्चतम न्यायालय में जो रिट जारी करता है विशेषाधिकार की, वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भाई भाग 1 में जो है क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, ये सब चीज़ें देख जाए। और देखते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल गया भाई भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकारों की बात की गई। पहले में भाई क्या है भाग में, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में नागरिकता के बारे में क्या गया। तीसरे में भाई क्या है, मौलिक अधिकार है। ओके, तीसरे में मौलिक अधिकार है, याद रखिए भाई मौलिक अधिकार है। और चौथे में नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं चौथे में। और चार का ए जो आता है, चार का का यानी उसमें जो है आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है, एक मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट अब देखिए, 1987 में किस धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया था भाई, एलिफेंटा की गुफाओं को किया गया था, चोल शासकों के द्वारा चोला जो मंदिर बनाया गया था उसको भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, ध्वनि की एसआई इकाई मात्र इसके नाम पर, हर्टज होती है भाई, हेनरी हर्टज के नाम पर, हेनरी नहीं हेनरी है, हेनरी हर्टज है, ठीक है, हेनरी हर्टज। नेक्स्ट है, उदयन किस स्थान से राजधानी स्थानित करके पाटलिपुत्र को बनाया था, तो भाई किससे स्थानित किया था, राजगिरी से जो पाटलिपुत्र को लेकर आया था। आपसे सीधे पूछे भाई पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन के द्वारा की गई थी। उदयन ने किस शहर को बसाया था, पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है, वह कौन से नेता थे जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते को पूरी तरह तोड़ दिया था, भाई किसने तोड़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये काम किया गया था। नेक्स्ट है भाई, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई मुख्यालय इसका कहाँ है, जिनेवा में, इसको याद रखिए भाई, जिनेवा में जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विश्व बौद्धिक संपदा। तो भाई विश्व बौद्धिक संपदा जो है वहाँ पे जो इंडेक्स है उसको भी आपको देख के जाना है, इसकी स्थापना का ये सब चीज़ें आपको देख कर जाना है, ताकि जो वहाँ पर अगर क्वेश्चन आए तो इसको आप आराम से कर सको। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तराजुआ मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ प्रयोग किए गए थे, तो कालीबंगा हड़प्पा की बात की जाए भाई, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि इसके अवशेष मिले तो वहाँ से ही बात की जाएगी। नेक्स्ट है, कालीबंगा को ही भाई कांचों या चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है, कांचों का शहर, एक हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही भाई, या चूड़ियों का शहर। और वर्तमान में किसको कहा जाता है भाई, वर्तमान में फिरोजाबाद को कहा जाता है, याद रखिए वर्तमान में फिरोजाबाद को, यही सब चूड़ियों का नगर और कांचों का शहर जो है फिरोजाबाद को कहा जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अनुसार जो है कालीबंगा को कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, पद्म भूषण साहित्य कला के क्षेत्र का पुरस्कार किसे दिया गया, तो भाई छन्नू लाल मिश्रा को दिया गया था। नेक्स्ट है,
सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला उड़ीसा का कौन सा जिला था? भाई कौन था? क्योंझोर है। याद रखिएगा सर्वाधिक बॉक्साइट कौन राज्य उत्पादित करता है? उड़ीसा करता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कभी वित्त मंत्री नहीं बने? तो भाई आपके ऑप्शन के अनुसार सिंधे मेनन थे, याद रखिए उसमें जो है अरुण जेटली, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इस प्रकार से आपको दिया गया था। निम्न में कौन हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर संचालित है? तो कोच्ची भाई केरल का जो है दक्षिण भारत का, ये पूरे विश्व का जो है सबसे पहला ऐसा हवाई अड्डा था जो किसे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है। चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी कब मिली? भाई 2008 में दिया गया था, याद रखिएगा चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में मंजूरी दी गई थी। मतलब आपको भाई यहाँ पे याद रखना है 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था, तो वही भाई मंजूरी मिली थी भाई इसको लॉन्च करने की, वो चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट है, मेनली पावर साड़ी को किसने संशोधित किया था? किसने किया था भाई? मोजली के द्वारा। ओके, 2005 में कौन सी योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी कार्ड बनाए गए थे? तो भाई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पर बनाए गए थे स्वास्थ्य संबंधी कार्ड जो है यहाँ पर बनाए गए थे किसके तहत भाई? तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी कार्ड बनाए गए थे, जिसकी जो लॉन्चिंग कब थी? 12 अप्रैल 2005 को इसको लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया? भाई 12 अप्रैल 2005 को। गूगल कंपनी का पूर्व नाम क्या था? भाई बैकरप था। लैरी पेज व सर्जी बेन, लैरी पेज व सर्जी बेन जो इसके संस्थापक हैं, सर्जी बेन, ठीक है, लैरी पेन व सर्जी बेन जो इसके संस्थापक हैं उनके द्वारा पहले नाम यही रखा गया था, बैकरप रखा गया, बाद में जो इसका नाम क्या गूगल कर दिया गया। इनमें से कौन सी योजना वृद्धों के पेंशन के लिए चलाई गई थी? इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना भाई ये चलाई गई थी। ओके, आपके भाई सेकंड शिफ्ट के मोस्ट पॉइंट जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए थे सभी को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब देख लेंगे एक बार फिर से फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ओके, फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसको देखेंगे। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी बस टर्मिनल सेवा हमने चेन्नई बस टर्मिनल सेवा के रूप में देखा था। सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी एनटीपीसी आपको बताया गया था भाई, यहाँ पे जो है कोल इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ी है। कोप 27 यहाँ पे 26 का जो 2021 कहाँ पर आयोजित होगा? ग्लासोवा स्कॉटलैंड में। एक पेटाबाइट बाइक कितना? 1024 टेराबाइट के। मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भाई लॉर्ड कैनिंग की बात यहाँ पे की जाएगी। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप की किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है? जाम्बेजी नदी पर है। CLI का फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किस दे भाई? रेनी जेलवेगर को। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज को स्वर्ण पदक मिला था भाई विकास कृष्णा को। 100 दिन का रोजगार किस योजना के तहत दिया गया था? मनरेगा के तहत। इडुक्की बांध परियोजना किसने दी भाई? पेरियार। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन है भाई? चाइना है, चावल में भी है। सोडियम क्लोराइड को जल से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? भाई वाष्पीकरण के द्वारा, NaCl यानी नमक की बात की जा रही थी। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा? भाई झारखंड। देख सकते हैं इतने टाइम अभ्रक सुबह पूछा था, शाम को बॉक्साइट पूछ लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? हंटर कमेटी। इनमें कौन सा प्रक्षेपयान नहीं है? MSLV। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया था? व्यवगत सिद्धांत। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार की रिट जारी करता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया? भाई अनुच्छेद 32 में, यही मैंने बताया था सुबह में। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई मोस्ट पॉइंट जो आपके सुबह के क्वेश्चन थे वो भी आपने यहाँ पर देख लिया है, तो सभी क्वेश्चन जो आपके थे मोस्ट पॉइंट कंप्लीट हो गए। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का सभी के पास पहुँच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक देखते रहिए फाइनल अभिताश सर। थैंक यू।